राम मंगल राम भोले नाथ की हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह मैं उठ के कहाँ आ गया। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा मैं जा रहा हूँ केदारनाथ। अभी मैं खड़ा हूँ गया रेलवे स्टेशन, यहाँ से हमारी ट्रेन है जो हावड़ा चलती है, जो जाती है देहरादून। इसका टाइमिंग आने का टाइमिंग हो चुका है, 5 बज चुके हैं मॉर्निंग के। मैं बताने वाला हूँ पूरा केदारनाथ के बारे में, केदारनाथ कैसे जाएं, कैसे पहुंचे, कितना टाइम लगने वाला है, कहाँ से बस ले, कहाँ से पास बनता है, क्या करना पड़ता है, हरिद्वार से जाएं या ऋषिकेश से जाएं, कहाँ से बस मिलेगा आपको, सोनपैक पहुंचने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे जाना है गौरीकुंड, गौरीकुंड से कितना चलना पड़ता है पैदल आपको, कितना टाइम लगता है, सब बताने वाला हूँ मैं। आप वीडियो बने रहो, मैं आपको पूरा फुल अपडेट दूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हरिद्वार, जिसे बोलते हैं हरि का द्वार या हरि का वास होता है। हमारी ट्रेन एक्चुअली में लेट हो गई थी 4 घंटे। मैं पहुंचना था मॉर्निंग में 4 बजे, हम पहुंचे हैं 9 बजे। अब देखो यार, जाते हैं बाहर, हम जाएंगे बस स्टैंड, वहां जाकर पता करेंगे कि सोनपैक के लिए बस कितने बजे मिलती है। लास्ट बस जो मिलेगी उसी जाएंगे हम। अगर एग्जाम्पल मान लो बस मिली मुझे 1 बजे 2 बजे, तो आपको घुमाऊंगा हरिद्वार। अगर बस मिलती है मॉर्निंग में तो मैं फिर आकर घुमाऊंगा आपको हरिद्वार। अभी बताने वाला हूँ कितना फेयर लगेगा, कितना टाइम लगने वाला है, कौन सी बस में ट्रेवल करें, स्लीपर लें या एसी लें, नॉन एसी लें, सब मैं दूंगा अपडेट बाहर जाके। इनसे मिलो भाई लोग से, ये भी जा रहे हैं केदारनाथ में, ट्रेन मिले हैं। नाम क्या हो गया आपका? आपका नाम क्या हुआ? एक बंदा और है वो बाथरूम गया हुआ है, वो आता है तो उससे मिलाता आपको मैं, उसका वेट कर रहे हैं। जैसे आता है वो हम जाएंगे बाहर बस स्टैंड, वहां आपको जाके देता हूँ अपडेट। आपको सामने में है रेलवे स्टेशन, इसके जस्ट निकलेंगे आप राइट साइड में बस स्टैंड, वहां निकलता हूँ मैं, 150 मीटर दूरी पर है वो, चलो चलता हूँ। लेकिन ये आपको सरकारी बस स्टैंड हो गया जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये हो गया रेलवे स्टेशन। जस्ट इसके राइट साइड में 150 मीटर बाद आपको मिलेगा सरकारी बस स्टैंड। तो यहाँ से आपको बस मिलती नहीं है सोनपैक के लिए, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एजेंट है यहाँ पर बहुत सारे, एक एजेंट है, चलो दिखाता हूँ वहां जाकर मैं, दिखाने से पहले कुछ बता दूं एक इंपॉर्टेंट बात। जब भी जाओ आप सोनपरियाग, ट्राई करो मॉर्निंग में जाने का। यहाँ से बस खुलती है, लास्ट खुलती है आपको 7 बजे तक, 4 o'clock है, 7 o'clock है। हमें तो बस मिल नहीं पाई, तो हम जा रहे हैं बस रुद्रप्रयाग के लिए, बस हमने बुक किया है वहां से, और बाकी है 40 किलोमीटर, तो हम 2 बस चेंज करेंगे। जो हमारे साथ घटना हुआ है ना वो आपके साथ ना हो, इसलिए आपको मैं कर रहा हूँ अपडेट। जब भी जाना, जब भी आना हो तो ट्राई करो पहुंच जाओ मॉर्निंग में हरिद्वार। यहाँ से बस खुलती है 4 बजे, देखो ये हमारी बस है, यही बस हमने बुक किया है, मेंशन भी किया हुआ है रुद्रप्रयाग, वहां से बस चेंज करना पड़ेगा हमें। रुद्रप्रयाग का बस हो गया, आपको दिखाने वाला था मैं कि बस कहाँ से मिलती है, वो जल्दी दिखाता हूँ मैं, क्योंकि यही बस एजेंट है जहाँ से बस मिलता है सोनपैक के लिए। यहाँ तो 2 ही बस खुलती है, एक मॉर्निंग में खुलती है 4 बजे, खुलती है 7 बजे। जब भी आना आपको ट्राई करना है कि मॉर्निंग में पहुंच जाए। हमें तो बस मिली नहीं, वाला बस बुक किया मैंने, बताया आपको पहले ही, जब भी ट्राई करो तो मॉर्निंग आने का ट्राई करो। मैं डेटा पहुंच कर देता हूँ अपडेट आपको, कितना टाइम लगता है, कहाँ का रास्ता में रुकता है बस, पूरा फुल अपडेट दूंगा मैं। बाइक बुक कर सकते हो आप, बगल बाइक वाला है बुकिंग, बाइक रेंट ये आपको लेगा पर हेड, सॉरी पर नहीं, अब ये आपको रेंट लेगा पर बाइक का 1000, सिंपल बाइक हो गया। अगर बुलेट बुक करोगे आपको 1200 लेंगे, एंड 4000 आपको सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा, प्लस में आधार कार्ड आईडी प्रूफ। चलो बस में बैठ कर दिखाता हूँ मैं, देता हूँ अपडेट आपको। फाइनली हम बस में से बैठ गए, बस का फेयर लगा है 250 पर हेड। हम 4 बंदे हैं, 2 बंदे आगे बैठे, 2 बंदे पीछे बैठे हैं,
एक्चुअली बस हमें मिला नहीं सोनट्रैक के लिए, हमने दो बस चेंज किया हुआ है। हम अभी जा रहे हैं रुद्रप्रयाग, वहाँ से ट्रेन टिकट बुक करेंगे, वहाँ से जाएंगे। यहाँ से जर्नी है 6 घंटे की, वहाँ पहुँच के मैं अपील करता हूँ एंड रास्ते में आपको भीड़ दिखाते जाऊँगा मैं। ये मेरे बस के शेयरिंग पार्टनर है जो मेरे साथ मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये जा रहे बद्रीनाथ। इनसे मिलो, नाम क्या भैया आपका? अनुज चौहान। अनुज चौहान कहाँ का है? मेरठ से। कैसे बना प्लान है आपका बद्रीनाथ का? बस कुछ मन्नत मांगी थी, उस मन्नत के सुना किसी दोस्त ने बोला कि वहाँ आने से और लोगों की आस्था है कुछ ऐसी, तो मेरा भी काम हुआ तो इसलिए बोलता हूँ भगवान में आस्था रखा करो। जिन्हें भले अंधेर है, देर नहीं है, जो मदद मांगो पूरा होगा। हम तो जा रहे बाबा के नगरी में। बीच में रुके हैं कहीं कुछ खाने पीने के लिए, हमारी बस रुकी हुई है, पता नहीं कौन सी जगह है, बट देखो नजारा पीछे पूरा माउंटेन दिख रहा है, वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा एक्चुअली में, मैं दिखाता हूँ कैमरा पीछे करके। यहाँ से भी हमारी जर्नी बाकी है 140 किलोमीटर सोनप्रयाग। अब देखो कितना टाइम लगता है, अभी तो कितना बज रहे हैं, 2 बज गए जबकि हम 11 बजे निकले वहां से हरिद्वार से, यहाँ पहुँचने में 2 बज गए और जर्नी बाकी 140 किलोमीटर। चलो फिर वहाँ पहुँच के मैं देता हूँ अपडेट। एक्चुअली में तो हमें हमारा बस तो रुद्रप्रयाग ही जाएगा, वहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ उतर के मैं आपको दूंगा अपडेट कि वहाँ से कैसे जाना है। ओके, भाई फाइनली हम सोनप्रयाग पहुँच गए। अभी टाइम हो रहा है 12:10 रात के। अब सोचेंगे इतना लेट कैसे हो गया। एक्चुअली में बहुत जाम लगता है यहाँ पर, बहुत क्राउड लगता है, दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में हमें। आते समय टाइम लग गया 24 घंटे। हमने वहाँ से बस पकड़ी थी 7 बजे, पहुँचाया हमें यहाँ पर 9 बजे रात में। फिर वहाँ से पैदल आते आते हमें लग गया 12। यहाँ पर रुके हैं होटल में खाना खाने के लिए। यहाँ से जस्ट आगे जाना पड़ता है 2 किलोमीटर बाद, वहाँ लंबा लाइन लगता है, चेकिंग होता है, आपका हो गया आधार कार्ड हो गया, जो ही डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया आपका, और सेकंड डोज जो वैक्सीन हो गया वो चेक करते हैं, उसके बाद आपको जाने के अलाउट करते हैं। और 4 बजे से लंबा लाइन लगने चालू हो जाता है। मैंने पूछा भी 2 लोग से, लोग ने बताया कि लोग अभी तक वहाँ सो रहे हैं लाइन लगाकर। तो चलो मैं वहाँ जाकर पहुँच के देता हूँ आपको अपडेट क्या सीन वहाँ का है। अभी कुछ खा लूँ, मैं कुछ खाया नहीं सुबह से, खा कर जाता हूँ वहाँ पर। ये पीछे हमारे ऑफिस है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जितने पर्सन आप हो, एग्जाम्पल मान लो 5 पर्सन हो, हम 5 हैं, तो एक एक पर्सन का आधार नंबर, मोबाइल नंबर प्लस उसका नाम, और सब सारे बंदे का होना चाहिए सेकंड डोज वैक्सीन। बस पर्ची मिलता है बना के, वो पर्ची साइन कर दे देंगे, तो इतना काम होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लाइन लगा मॉर्निंग से लाइन लगते हैं। वैसे 12 बज रहे हैं, ये बस लगी, वो लगी हुई है गाड़ी जो जाती है गौरीकुंड, पर हेड आपको लेगी 100 रुपये। अब क्या होता है देखो, आगे बताता हूँ मैं। तो हमारा काम हो रहा है, जैसे देखो ई पर्ची है, बस से साइन करना बाकी है, साइन हो जाएगा तो मैं जाता हूँ ऑफिस में, आता हूँ साइन करा के फिर बताता हूँ आपको मैं। देखो ऐसा ही बनता है पर्ची, ये हमने पर्ची बना कर दिया, इतने बंदे ने ये लिख के दिया, ये नाम है जिसका नाम से पर्ची बना है, प्लस में अपने जिसने पर्ची बनाया है उसने लिख दिया है SI अमित भट्ट, एंड ये आज का डेट दे दिया है, कितने लोग हैं, 5 पर्सन है वो बताया इसने। बोला ट्रैकिंग चालू कर सकते हो, लेकिन गौरी कुंड के लिए आपको टैक्सी मिलेगी, खुलती है 4 बजे से, ये तो 12 बज रहे हैं,
अगर जाना चाहते हो पैदल पैदल भी जा सकते हो आप, ये जाना उचित रहेगा जाना 4 बजे ही। तो क्या होता है देखो, गौरीकुंड पहुंच गए हमारी अमित टैक्सी से, और मैंने बताया था फेयर लगता है 100 रुपये, 100 रुपये फेयर नहीं लगा, फेयर लिया हमसे 85 लिया फेयर। वो ट्रैकिंग का रोड गया हुआ है, रास्ता बना हुआ है, दिखाता हूँ मेन कैमरा से, ये सामने रोड ट्रैकिंग वाला रास्ता गया हुआ है, दिखाई दे नहीं रहा अभी भाई, हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, बंदे मिल गए हैं, सब ग्रुप के बंदे मिले हैं, दिखाई दे नहीं रहा है, ट्रैकिंग चालू कर दिया, अभी टाइम हो रहा है आपका 2 बज रहा है, लाइव होगा, अंधेरा को दिखाई दे नहीं रहा एक्चुअली में, बज रहे 2, चलो सामने दिखाता हूँ लोग सामने, पूरे अंधेरे हैं, जैसे ही इंजोरा होता है होता उजाला, आपको पूरा करता हूँ अपडेट। मैं फिर से बोलता हूँ, हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया है, टाइम हो रहे हैं 2 बज रहे अभी भाई, पुलिस वाले ने बोला हमें कि भाई इकट्ठे झुंड में जाना, ये खतरा है भालू का खतरा, इसीलिए देख लो, बाकी जैसे होता है जाला मैं आपको करता हूँ अपडेट, जब पहुंचे देता हूँ अपडेट। देखो ये वाटरफॉल है, झरना है, रात में क्लियर दिखाई दे नहीं रहा है, चलो ले चलता हूँ पास में दिखाता हूँ, अभी टाइम हो रहा है आपको 2:45 रात के, इसलिए क्लियर आ नहीं रहा है। हमारा टारगेट है कि हम मॉर्निंग में पहुंच जाएं, 7 बजते पहुंच जाएं, या पानी पी सकते हो झरना का, एकदम मीठा पानी होता है, देखो यार। गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है, अभी टाइम बज रहे हैं 6:10, सबसे आगे मैं हूँ, अभी मैं आके यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से 2 रास्ते गए हुए हैं, एक छोटा गया है, एक बड़ा गया हुआ है, ये लॉन्गकट है जो आते हैं खच्चर उच्चर घोड़े ओड़े, ये उसके लिए है, आप पैदल आते हो तो इससे जा सकते हो। अभी हमने 8 किलोमीटर की जर्नी तय कर ली है, 8 किलोमीटर और बाकी है, बंदे लोग को आने दो, उनसे आपको मिलाता भी हूँ, अब उनके साथ चलेंगे हम। चलो जब तक बंदे आते हैं हमारे, तब तक मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर आप खच्चर से आते हो लाइक घोड़ा, उसका फेयर है 2400, वो पहले बोलेंगे 3000 बोलेंगे, तब बार्गिन करना, उतना पा जाएगा वो। एंड हेलीपैड भी है यहाँ पर, उसका रेट है 5000 पर हेड, ओपनिंग होता है 9 बजे से, टाइमिंग खुलने का उसका 9 बजे से है। अगर आप हेलीपैड से आना चाहते हो दूसरी बार सकते हो, तो खच्चर से आ सकते हो, खच्चर से आओगे तो पूरा नजारा दिखेगा आपको, देखो एग्जांपल देखो, जा रहे खच्चर ले बैठा के इनको, ये आपको पूरा घुमाते ले जाएंगे खच्चर। हेलीकॉप्टर से आपको बस 1 आवर लगेगा, ऊपर पहुंचा देंगे एक ही बारे में, वो जिससे आपको सुटेबल रहे उससे आना, और आओ इंजॉय करो। और एक चीज, यहाँ पानी का कुछ प्रॉब्लम है नहीं, माउंटेन से पानी गिरता है, जगह जगह पर नल लगे हुए हैं, यहाँ तो लगा हुआ नहीं है, चलो अब कभी आएगा तो मैं दिखाऊंगा, पीछे नल लगा हुआ था वहाँ तक पानी भर सकते हो। एंड आप पानी लोगे दुकान से, लोगे शॉप से, तो उसका फेयर है 50 रुपीज 1 लीटर का, दुगना दाम लेते हैं ये। मैगी खाओगे उसका 50 रुपये रेट है, चाय पियोगे उसका 30 रुपये, जैसे ऊपर जाओगे आप फेयर बढ़ते जाएगा आपका, क्योंकि मेरे बंदे भी आ ही चुके हैं, दिखाता आपको, वो मेरे बंदे आ रहे हैं वाइट वाले, जिस तक बंदे आ रहे हैं मेरे, तब तक आप देखो नजारा जहाँ का, गाइज मैं अपने बंदे से मिला रहा हूँ, इनसे मिलो, ये हमारे साथ चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। भाई कहाँ से आए तुम? हाय, कहाँ से आए हो? आई एम फ्रॉम यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रभात है। तुम्हारा? प्रशांत। माय नेम इज प्रिंस। माय नेम इज गौरव। तुम्हारा नाम क्या हुआ? माय नेम इज प्रिंस। प्लीज लाइक सब्सक्राइब। मेरा नाम मंगल राम, बोले ना हर हर महादेव। हर हर महादेव।
तो कैसा लग रहा है आप लोगों? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? घोड़े की नाल मिली है। घोड़े की नाल मिल गई? गधे की नाल मिली है। गॉड गिफ्ट है। चलो ठीक है, खच्चर की नाल मिली। अभी हमने 9 किलोमीटर चढ़ाई कर ली है और बाकी हमारा कितना बाकी है? अभी 10 नहीं आएगा, 9 चले ना, 9 चल गए तो बाकी रहेगा 6 ना। हमारे दो रास्ते हैं और हम लॉन्ग हाँ, देखो ये लॉन्ग है रास्ता गया है, 2 किलोमीटर फालतू पड़ेगा। हम जा रहे हैं फरकट वाले से, देख लो आप यही पानी पी सकते हैं, एकदम शुद्ध होगा, लाइक प्यूरिफाई का लगता है पानी, तो बंदे पी भी रहे। देखो भाई खतरनाक क्यों बोलते हैं केदारनाथ को लोग, ये देख रहे हो चढ़ाई, मैं जूम दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो ऊपर से है ना टावर, यहाँ जाना अगर आप आता पैदल तो, और लंबा भी है, लंबा ज़्यादा चढ़ाई भी है, जो खच्चर के लिए है वो इस साइड है, वो कोई है ना कोने में यहाँ पर है, देख लो कितना खतरनाक है लोग बैठे हुए थक के। बस यहाँ तो बाकी 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बाद गवर्नमेंट की कैंप मिलती है, वो टेंट मिलती है जिसका फेयर है 800, बस आपको उसमें स्लीपिंग बैग दे देगा और कुछ नहीं, और है ना सोने का जगह दे देगा, उससे फालतू कुछ नहीं देगा। ओह भाई फाइनली हम केदारनाथ पहुँच गए, यहाँ से टेम्पल है 1 किलोमीटर दूर, अभी आपको टाइम हो रहे हैं 12 बज गया, अनुमान लगा लेना हमने ट्रैकिंग चालू किया था रात के 2 बजे, पहुंच रहे 12 बजे, जबकि हमने बहुत कम रेस्ट किया, 1 घंटा रेस्ट किया। अभी 1 किलोमीटर दूर है केदारनाथ यहाँ से, देखो 1 किलोमीटर पहले लगता है टेंट, अभी टेंट कर दो बुकिंग आप, तो आपको एक कॉस्टली नहीं पड़ेगा, एकदम सस्ता पड़ेगा, मिनिमम पर हेड पड़ेगा 500-600, जिसका पटा लो आप, प्लस में बाथरूम भी देखो सारे बाथरूम है, ये बाथरूम है, कोई दिक्कत नहीं है बाथरूम दूंगा। हाँ बस एक चीज का दिक्कत है, आपका फोन चार्ज नहीं हो पाएगा टेंट में, वो बस देते हैं स्लीपिंग बैग देंगे और सोने का जगह देंगे, एक्चुअली बहुत थक गया हूँ मैं इसलिए आवाज मेरा बहुत हो रहा है। अभी जा रहे हैं होटल का पता करते हैं, होटल क्या सीन है, फिर आपको दूंगा अपडेट, फिर आपको केदारनाथ टेम्पल घुमाऊंगा मैं, और कुछ लास्ट में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा क्या कैसे आना है, वो इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए आप वीडियो को देखना लास्ट तक, अब वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो। गाइज मैंने होटल बुक कर लिया है, अभी मैं 1 घंटे आराम करके आया होटल के अंदर, क्योंकि बहुत थक चुका था मैं, 12 घंटे चला पैदल, आप सोच सकते हो क्या हालत होगी। तो अभी मैं केदारनाथ टेंपल के बाहर खड़ा, देखो मैं पीछे देखो केदारनाथ है, अभी पट बंद है, पट खुलेगा 6 बजे शाम में, नहीं सॉरी पट खुलेगा 5 बजे, अब 6 बजे आरती होगी इसकी। एंड आप कभी भी केदारनाथ आओ 2-3 चीज का ध्यान रखो, पहली चीज बिन मौसम बरसात छाता लेके आओ, अम्ब्रेला, अगर वो पॉसिबल नहीं है रेनकोट लेके आओ, एंड कभी भी आप केदारनाथ ट्राई करो होटल आने से पहले बुक कर लो ऑनलाइन कि भाई यहाँ होटल का बहुत मारा मारी है, हमें देख लो, हम 7 बंदे थे, हमने होटल बुक किया है, पर हेड पड़ा है 1000, अब सोच सकते कितना लूट मारी है, जबकि एक रूम है छोटा सा और उसमें छोटे से रूम में 4 बेड लगे हुए हैं, बस एकदम पते पते बेड लगे हुए हैं, उसी में सोना है हमें 4 गद्दे में ही,
अगर आप तुम नहीं लोगे तो और ले लगा उसे। इसी का ध्यान रखो। एंड एक बात और इम्पोर्टेंट बात, 6 नवंबर को पट बंद हो रहा है हमसा के लिए, फिर आपको मार्च में खुलेगा। इसे जब भी आओ 6 नवंबर से पहले आओ, और आने से पहले देहरादून स्मार्ट सिटी का वेबसाइट है उस पर रजिस्टर कर देना, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, उसमें रजिस्टर करके आना। और उसका कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, अपना आधार कार्ड हो गया, ये सब मोबाइल नंबर जितने लोग आ रहे हो डाल दो बस, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ रूल है। एंड उसका कोई जरूरत भी नहीं है, हम तो आए थे बस सेकेंड डोज चाहिए होता है बस। अब बहुत लोग तो कुछ चेकिंग नहीं हुआ नीचे में, ऐसे ही गए हम निकल पड़े पास लेकर। पास लेने गए, एक बंदा गया साथ में से, बोला कि कितने बंदे हैं, बोला 7 बंदे हैं, बोला एक का आधार कार्ड दे दो, नाम लिखा उसने पास ना के दे दिया, बोला जाओ कोई दिक्कत नहीं, चेकिंग नहीं हो रहा कुछ, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखो। एंड मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बताओ कैसा लगा केदारनाथ की यात्रा। एंड में आरती का बनाऊंगा वीडियो स्पेशल, 6 बजे आरती होगी, उसका मैं डालूंगा वीडियो स्पेशल, लिंक उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। बताना भूल ही गया मैं, यही पत्थर है वो जो धार को 2 भाग में बांट दी थी, जब वो ये बादल फटा था तब ये पत्थर आके अटका यहाँ पर, अब बंदर का नुकसान नहीं होने दिया, 2 भागों में बांट दिया था पानी को। चलो दिखाता हूँ ऊपर चल के मैं, देखो यही पत्थर आई थी ऊपर से आई थी जो 2 भागों में बांट दी थी, इसमें लोगों ने सिक्का भी चिपकाया है, सिक्का चिपकता हुआ इसमें, ये पूरा टेम्पल को रखवा लिया था, यही पत्थर है ऊपर से आया था आपदा में। और मैं कुछ बताना भूल गया इम्पोर्टेंट बात, मुझे पंडित जी ने बताया यहाँ पर केदारनाथ की सच्ची घटना घटी हुई, 200 साल या 300 साल पहले की घटना ही है। एक बंदा आया था जिसने गर्मी में चढ़ाई चालू की थी, वो उसके आते आते ठंडा आ गया, जिस दिन केदारनाथ पहुंचा, यहाँ पहुंचा केदारनाथ, पट हो गया बंद उसी टाइम। तो उसने पंडित जी से बोला कि पंडित जी मुझे दर्शन करना है, पट खोल दो। पंडित जी ने बोला बेटा पर टाइम हो गया, अब पट नहीं खुलेगा। तो बहुत उदास हो गया बेचारा वो, तो उसने भी ठान लिया कि मैं यही रहूंगा, जाऊंगा नहीं। उसे आने में लगे थे 6 महीने पैदल, तो सो गया। रात में बहुत बर्फ गिरने लगी, तो बर्फ गिरने ठंडी लगी लगी इसको। एक साधु आता है पूरा जटाधारी, वो आता है उसको उठाता है कि बेटा तुम यहाँ के सोए हो, तुम चले जाओ घर। उसने बोला, तो बंदे ने बोला कि नहीं साधु जी मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं आया हूँ बाबा से दर्शन करने, दर्शन करके जाऊंगा मैं। तो बोला कि चलो चलो ठीक है, जब तुमने ठान ही लिया दर्शन करने का, दर्शन कर लो, इसमें कोई इशू नहीं है, बाकी सब चीज़ दिक्कत हो रही है। उसने बोला कि एक काम करो, मैं कुछ लाया हूँ खाना, कुछ खाना खा लो और आग जला दे रहा हूँ, तुम सो जाओ। बोला ठीक है पंडित जी। वो बंदा आग लगा दिए और ये खाना खिलाया। फिर मॉर्निंग हुई, देखे पंडित जी आ रहे हैं। तो पंडित से पूछा कि पंडित जी आप तो बोले थे कि 6 मंथ बाद आएंगे। तो बोला कि बेटा अभी 6 मंथ मैं 6 मंथ बाद ही आ रहा हूँ। तो बोला कि नहीं पंडित जी मैं तो कल ही सोया था, तो आप कल आ रहे हैं मॉर्निंग मारे आप। बोला नहीं बेटा। तो उसने पंडित जी को शक हो गया क्या हुआ था इसके साथ। तो पूछा पूरा पंडित बात। तो पंडित ने बोला कि भाई तुम्हें खुद शिव जी ने आके सुला दिया था 6 मंथ के लिए। शिव जी की माया देखो, इसे जो मन्नत मांगोगे आप पूरा हो जाता है। चलो ठीक है, मैं इसी बार वीडियो को ओवर करता हूँ, खत्म करता हूँ।